अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय, ठीक है, हाई कोर्ट जो कि जबलपुर बेस्ड है, इसके अलावा उसकी कोई खंडपीठें मिल जाएंगी ग्वालियर और इंदौर में। अगली खंडपीठ कहां प्रस्तावित है? भोपाल में, ठीक है। तो इस उच्च न्यायालय के संबंध में क्या क्या बातें उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो न्यायालय का गठन किया जाता है हाई कोर्ट का, तो सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, सभी राज्यों में मध्य हाई कोर्ट का जो गठन होता है किससे होता है? अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत किया जाता है। प्रत्येक राज्य में क्या होगा? एक उच्च न्यायालय बनाया जाता है। मध्य प्रदेश में इस प्रकार का न्यायालय कहां है? जबलपुर में है, ठीक है। पर उसके पहले की स्थिति हमको देखनी है। वर्ष 1956 में मध्य प्रदेश राज्य के गठन के पश्चात राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 49 की उपधारा 1 के अंतर्गत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना नागपुर में से जबलपुर में प्रतिस्थापित कर दी गई। पहले मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहां था? नागपुर में, क्योंकि सीपी बरार की राजधानी क्या थी? नागपुर थी। और मध्य प्रदेश का मतलब भी हम क्या समझते थे? नागपुर, या सीपी बरार, सॉरी। लेकिन हमने नागपुर से क्या स्थापित कर लिया उसको? जबलपुर में। किस अधिनियम के तहत? मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 49 की उपधारा 1। जिनको लग रहा हो कि ये धारा याद नहीं करनी है, वो लोग क्या करें? वो लोग क्या करेंगे? 2021 का पेपर उठाएंगे, उसमें पूछा गया था मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118 के सब क्लॉज 3 के तहत की गई। इतने गहराई से प्रश्न आता है भाई। आपको हाईकोर्ट क्यों बता दिया मैंने यहां पे? क्योंकि इसका प्रश्न पूछा गया है ऑलरेडी, एमपीपीएससी आयोग का पूछा जा चुका है कि आयोग का गठन किसके किस धारा के तहत किया गया था। तो भाई इसका भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। 49, इसका निर्माण कब हुआ? भाई पीछे आपने एक भवन देखा, पीछे आपने एक बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग देखी, ठीक है, जिसमें हाईकोर्ट के कर्मचारियों ने तिरंगा बना करके क्या है दिखाने का प्रयास किया होगा, लेकिन बहुत गंदा दिख रहा है, बट फिर भी अपन क्या करेंगे, डील करेंगे इससे, ठीक है। तो ये जो भवन है इसको कहां से निकल करके आता है? तो इसका निर्माण 1989 में किया गया। किसने करवाया? राजा गोकुल दास ने करवाया था। वास्तुकार कौन था? हेनरी इरविन था। एक बात, ठीक है। दूसरी बात क्या निकल करके आती है? 28 नवंबर 1968 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले राष्ट्रपति थे जिनका ऑफिस के दौरान क्या होगा? देहांत होगा। तो जाकिर हुसैन क्या करेंगे? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 51 की उपधारा 2, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 49 की उपधारा 1 के तहत हाईकोर्ट बनाया गया मध्य प्रदेश में जबलपुर में, लेकिन उसी अधिनियम की धारा 51 की उपधारा 2 के तहत क्या किया जाएगा? खंडपीठ बनाई जाएगी। कहां पर? ग्वालियर में और इंदौर में। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ग्वालियर और इंदौर में खंडपीठ कब बनाई गई, ग्वालियर और इंदौर में खंडपीठ कब बनाई गई 1968 में, किस अधिनियम के तहत? वो आपने देख लिया। अब आता है संवैधानिक प्रावधान। पूरा एकदम अच्छे से ध्यान कर लेना, इस चीज को रट लेना है भाई, है ना। 214 से लेकर के पूरी कहानी जो सिर्फ महत्वपूर्ण है उसकी बात करेंगे। 14 में क्या दिया गया है? हाई कोर्ट होगा। 15 में क्या दिया गया है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, अभिलेख न्यायालय मतलब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। 216 में क्या दिया गया है? गठन का मतलब होता है सदस्य संख्या, खंडपीठ आदि की चर्चा। 217 में क्या दिया गया है? नियुक्ति की बात की गई है, जजों की नियुक्ति की चर्चा की गई है। 223 में क्या बात की गई है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की बात की गई है, कार्यकारी चीफ जस्टिस कौन होगा। 225 में क्षेत्राधिकार की बात की गई है, हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार क्या होगा? राज्य की सीमा होगी, ठीक है। 226 में क्या बात की गई है? रिट जारी करने की शक्ति, ये वही शक्ति है जो 32 में दी गई है किसको? सुप्रीम कोर्ट को। 226 हो गया।
227 में हाईकोर्ट का सभी न्यायालयों पर अधीक्षण करने की शक्ति, हाईकोर्ट का सभी न्यायालयों पर अधीक्षण करने की शक्ति। इसके बाद 231 आता है, 231 में क्या दिया गया है, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए साझे उच्च न्यायालय की स्थापना का वर्णन किया गया है। भाई दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही न्यायालय बना दो ना, ढेर सारे राज्यों में ऐसा चल रहा है। यूटीज में सिर्फ जब यूटी में दिल्ली ही तो ऐसी है जिसके पास खुद का हाई कोर्ट है, बाकी जितनी भी यूटी हैं वो सब कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, पंजाब हरियाणा के लिए सेम हाई कोर्ट है, कहां से आता है वो, ये सब आता है 231 से। ठीक है, इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहां पर, 1936 में जब नागपुर में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी तब पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, गिलबर्ट स्टोन। 1956 में जब पहला मुख्य न्यायालय बनेगा तब कौन थे, मोहम्मद हिदायतुल्ला। जब 56 में मुख्य न्यायालय बनेगा, पुनर्गठन होगा, तब मुख्यमंत्री वो कौन थे, हमारे मोहम्मद हिदायतुल्ला चीफ जस्टिस। लेकिन नागपुर में जब था 1936 में जब बनाया गया तब कौन थे, गिलबर्ट स्टोन। ठीक है, जबकि पहले भारतीय कौन थे यहां पर, भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। क्या बात हुई, हमने क्या बोला कि भाई मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय वो पहले कहां था, नागपुर में था, लेकिन 1956 में हमने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 49 के सब क्लॉज 1 का प्रयोग करते हुए उसको जबलपुर में शिफ्ट कर दिया। लेकिन भाई जब नागपुर में बनाया गया था 1936 में तब उसका मुख्य चीफ जस्टिस कौन था, पहली बार गिलबर्ट स्टोन था, लेकिन ये तो अंग्रेज है, गोरा आदमी। पहला देशी आदमी कौन था, भूपेंद्र सिन्हा। ठीक है, भुवनेश्वर सिन्हा, सॉरी, है ना। इसके अलावा पहले यहां पे कौन हो जाएगा, 56 में पहला कौन हो जाएगा, मोहम्मद हिदायतुल्ला। मोहम्मद हिदायतुल्ला देश के पहले ऐसे कौन व्यक्ति थे जो आगे चलकर क्या बनेंगे, चीफ जस्टिस भी बनेंगे और कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बनेंगे और उपराष्ट्रपति भी बनेंगे, सब बन लेंगे वो। मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस, देश के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। ऐसा कैसे हुआ, तो बहुत ही खूबसूरत एक घटनाक्रम है जिसके बारे में चर्चा पॉलिटी की क्लास में की गई है, वहां से आप लेक्चर ढूंढेंगे राष्ट्रपति वाला, वहां से आपको मिल जाएगा, मैं अभी नहीं सुना रहा। ठीक है, इतनी बात याद रखनी है। मोहम्मद हिदायतुल्ला की पुस्तक का नाम दिया गया है डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड जुडिशियल प्रोसेस। मोहम्मद हिदायतुल्ला की एक पुस्तक थी डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड जुडिशियल प्रोसेस। डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड जुडिशियल प्रोसेस। ठीक है, अब आता है अगला महत्वपूर्ण तथ्य, हो गए आपके यहां पे कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य। वर्ष 2003 में मोहम्मद हिदायतुल्ला के नाम पे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रायपुर में स्थापित की गई थी। वर्ष 2003 में मोहम्मद हिदायतुल्ला के नाम पे एक क्या किया गया, यूनिवर्सिटी स्थापित की गई। कौन सी यूनिवर्सिटी, हिदायतुल्ला नेशनल लॉ कॉलेज, हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रायपुर में। ठीक है, अब अगला आता है कुछ और बातें। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश कौन, कुमार राजरत्नम, कुमार राजरत्नम ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जो स्वतंत्रता के बाद बैरिस्टर से सीधे क्या बन गए, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन गए थे। बैरिस्टर मतलब वकालत करने वाला व्यक्ति, सिंपल सा। बैरिस्टर से सीधे वो क्या बन गया, वो चीफ जस्टिस बन गया। कहां, मद्रास में। कौन था, राजरत्नम, कुमार राजरत्नम। इसके अलावा जगदीश शरण वर्मा, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं आपके लिए एग्जाम के लिए, जेएस वर्मा। कौन, जेएस वर्मा, सुप्रीम कोर्ट के 27वें मुख्य न्यायाधीश, मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। जेएस वर्मा बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। किस जिले में जन्म हुआ था इनका, सतना में। जेएस वर्मा का जन्म कहां हुआ था, सतना में हुआ था। पीवी दीक्षित, न्यायाधीश पीवी दीक्षित का कार्यकाल सबसे लंबा रहा,
भाई न्यायाधीश पीवी दीक्षित आप पीछे कहाँ पढ़ के आए? आज की क्लास में सब पढ़ा दूंगा मैं आपको, है ना। न्यायाधीश पीवी दीक्षित आप कहाँ पढ़ के आए? पहले कार्यवाहक राज्यपाल, पहले कार्यवाहक राज्यपाल, ठीक है भाई। पहले कार्यवाहक राज्यपाल पीवी दीक्षित न्यायाधीश जो बने आपके, उनका कार्यकाल चीफ जस्टिस के तौर पे सबसे लंबा कार्यकाल था, ठीक है। रमेश चंद्र लाहोटी सर्वोच्च न्यायालय के 35वें मुख्य न्यायाधीश थे। रमेश चंद्र लाहोटी सर्वोच्च न्यायालय के 35वें मुख्य न्यायाधीश थे, जिनका संबंध गुना से था, जिनका संबंध गुना से था। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला न्यायाधीश सरोजनी सक्सेना थी। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला न्यायाधीश सरोजनी सक्सेना, ठीक है। रमेश चंद्र लाहोटी के बारे में आपने देख लिया कि वो देश के क्या बनेंगे, 35वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे और गुना से संबंधित थे वो, ठीक है। उनका संबंध कहां से था? गुना से था। अब आते हैं मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था के इस वाले पोर्शन में, कुछ और चीजें न्यायपालिका वाले पोर्शन में, वो क्या है आपका कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। भाई हाई कोर्ट के ऐसे चीफ जस्टिस जो आगे चल करके इंडिया के चीफ जस्टिस बन जाएंगे, तो हाई कोर्ट के ऐसे चीफ जस्टिस जो इंडिया के चीफ जस्टिस बनेंगे वो कौन है? मोहम्मद हिदायतुल्ला, जे एस वर्मा और शरद अरविंद बोबड़े, ऐसे बोबड़े, शरद अरविंद बोबड़े, शरद अरविंद बोबड़े, और दूसरा क्या होगा? जेएस वर्मा, और तीसरा कौन हो गया? मोहम्मद हिदायतुल्ला। इसके बाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनेंगे, चाहे चाहे, ठीक है, मोहम्मद हिदायतुल्ला, जेएस वर्मा और शरद अरविंद बोबड़े, ये क्या हो गया? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, ठीक है। और इसमें कौन लोग आ जाते हैं? मोहम्मद हिदायतुल्ला, जे एस वर्मा, अरविंद बोबड़े, पटनायक, रविंद्रन ओझा, हेमंत गुप्ता और अजय खांडविलकर, ठीक है। ये नाम भी क्या करने हैं आपको, थोड़ा सा ध्यान रखने हैं। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आता है आपका, ये क्या है? अधीनस्थ न्यायालय का, अधीनस्थ न्यायालय का टॉपिक आता है। क्या भाई? जिला न्यायालय, वर्णन कहां है? 233 में इनकी नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल करता है। 233 ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इसमें अनुच्छेद, है ना। वो क्या है? जिला न्यायालय की बात की गई है। कौन करेगा नियुक्ति? राज्यपाल करेगा। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालयों में और क्या आता है? परिवार न्यायालय, कुटुंब न्यायालय जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? कुटुंब न्यायालय के रूप में भी जानते हैं। कुटुंब न्यायालय को स्थापित करने के लिए कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1985 में लाया गया था। इसके बाद आता है लोक अदालत, लोक अदालत, लोक अदालत की स्थापना विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत की जाती है। कहां पर? जिला स्तर पर और तहसील के स्तर पर। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ा जिला लोक अदालत कहां है? इंदौर में है लोक अदालत, आपका कहां से मिलेगा? विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 से। इसके बाद आता है बहुत महत्वपूर्ण ग्राम न्यायालय, ग्राम न्यायालय, ग्राम न्यायालय कहां से आएगा भाई? तो मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम 1996 में लाया गया था। मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम बिल्कुल एकदम अलग बना करके रखना। मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम अलग है और भारत सरकार का ग्राम न्यायालय अधिनियम बिल्कुल अलग है। अभी हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का ग्राम न्यायालय अधिनियम कब आया था? 1996 में आया था। और इस 96 के अधिनियम के तहत पहली बार ग्राम न्यायालय कहां बनाया गया? 2001 में नीमच के झांतला गांव में, ये लिखा हुआ है झांतला। मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम कब आया? 96 में। उसका पहली बार प्रयोग कब हुआ? 2001 में। कहां प्रयोग हुआ? नीमच के झांतला में। भारत सरकार का ग्राम न्यायालय अधिनियम कब आया था? 2008 में। उसका पहली बार प्रयोग कब हुआ? 2009 में। कहां पर प्रयोग हुआ? भोपाल के बैरसिया गांव में। तो मध्य प्रदेश सरकार के ग्राम न्यायालय अधिनियम से पहला ग्राम न्यायालय झांतला नीमच में बनाया गया। भारत सरकार के ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 से पहला ग्राम न्यायालय बैरसिया भोपाल में बनाया गया। बस यही तो बात कर रहा था मैं आपसे, ठीक है। अब यहां पे राजस्व न्यायालय आता है। राजस्व न्यायालय कैसे स्थापित किए जाते हैं? रिवेन्यू कोर्ट,
रेवेन्यू कोड कैसे स्थापित होता है भाई? भू राजस्व संहिता 1959 के तहत। पहला राजस्व न्यायालय कहां बनाया गया? ग्वालियर में। कब बनाया गया? 2011 में। 2011 में। ठीक है, इसके बाद आता है फास्ट ट्रैक कोर्ट। 11वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना कब की गई? 2001 में। वर्तमान में प्रदेश में 85 फास्ट ट्रैक कोर्ट संचालित हैं। पहला फास्ट ट्रैक कोर्ट कहां बनाया गया? सिंगरौली में। फास्ट ट्रैक कोर्ट की चीज के लिए जल्दी जल्दी मामला खत्म करो भाई। ठीक है, क्या है भाई? अरे सिंपल सा कहानी है, लीपापोती करने के लिए, है ना, लीपापोती करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाता है। जब केस को खत्म करना होता है, ऐसे सल्टाना होता है, तो क्या करते हैं, ये सब काम कर रहे होते हैं ना। तो वर्तमान में मतलब 85 फास्ट ट्रैक कोर्ट है। पहला फास्ट ट्रैक कोर्ट कहां बनाया गया था? सिंगरौली में। ठीक है, 2001 में। अन्य तथ्य क्या है? तो राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी कहां है? भोपाल में है। मध्य प्रदेश की राज्य न्यायिक अकादमी कहां है? जबलपुर में है। चाइल्ड फ्रेंडली न्यायालय कहां है? उज्जैन में है। बाल मित्रवत न्यायालय कहां है? उज्जैन में। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी कहां है? भोपाल में। राज्य न्यायिक अकादमी कहां है? जबलपुर में। ठीक है, अब यहां पे कुछ प्रशासनिक भवन दिए हुए हैं, इनको क्या करना है आपको अच्छे से याद कर लेना है। ये कुछ प्रशासनिक भवन कौन से हैं भाई, इनको अगर हम बात कर लें, कुछ प्रशासनिक भवनों की यदि हम चर्चा कर लें तो कौन कौन से भवन है? विधानसभा भवन पीछे पढ़ा दिया मैंने, इंदिरा गांधी भवन बोलते हैं। राज्य सचिवालय को वल्लभ भवन बोलते हैं। वल्लभ भवन में क्या संचालित? हमारा सचिवालय है। सतपुड़ा भवन और विंध्याचल भवन क्या है? राज्य संचालनालय है। राज्य संचालनालय कहाँ है? सतपुड़ा भवन में और विंध्याचल भवन में, ये सब भोपाल में है। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग को निर्वाचन भवन बोलते हैं, भोपाल में मिलेगा। राज्य मानवाधिकार आयोग कहाँ है? पर्यावास भवन में। राज्य मानवाधिकार आयोग कहाँ मिलेगा? पर्यावास भवन में। राज्य विद्युत मंडल को क्या बोलते हैं? शक्ति भवन। राज्य विद्युत मंडल को शक्ति भवन बोलते हैं, वो जबलपुर में है। नर्मदा घाटी नर्मदा भवन भोपाल में। पुरानी विधानसभा मिंटो हॉल कुशाभाऊ ठाकरे भवन भोपाल में। ठीक है, मध्यांचल भवन कहाँ है? मध्य प्रदेश भवन बोलते हैं उसको। मध्यांचल भवन को मध्य प्रदेश भवन बोलते हैं, वो नई दिल्ली में है। और मध्यलोक कहाँ है? बंबई में है। इसको अच्छे से याद रखना, मध्यांचल कहाँ है? बंबई में, सॉरी नई दिल्ली में। और मध्यलोक कहाँ है? बंबई में। ठीक है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के भवन का नाम क्या है? ग्वालियर बोर्डिंग। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का भवन जो कि इंदौर में है, उसका नाम क्या है? ग्वालियर बोर्डिंग। ठीक है, मध्य प्रदेश ऊर्जा नियामक आयोग का जो भवन है, उसका नाम क्या है? ऊर्जा भवन, भोपाल में। तो ऊर्जा भवन और शक्ति भवन में अंतर बना करके रखना। ठीक है, ऊर्जा भवन और शक्ति भवन में अंतर बना करके रखना। शक्ति भवन जबलपुर में राज्य विद्युत मंडल का ऑफिस है, जबकि ऊर्जा भवन भोपाल में मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का ऑफिस है। ठीक है,